हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोशियो रिलीजियस एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे देवबंद मूवमेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वहाबी मूवमेंट, इसके बाद में अलीगढ़ मूवमेंट और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आज हम देखेंगे कि 1850 ऑनवर्ड्स इस्लामिक फेथ में एक और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आएगी, जिसका फोकस रहेगा कि कोर प्रिंसिपल्स जो हैं इस्लामिक फेथ के उनको फॉलो किया जाए। और ये सहारनपुर यूपी से 1866 में ये मूवमेंट स्टार्ट होगी और यही मूवमेंट है देवबंद मूवमेंट। तो देखिए, देवबंद मूवमेंट जो है इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1866 फ्रॉम सहारनपुर यूपी। यूपी के सहारनपुर से ये मूवमेंट जो है ये स्टार्ट होगी और दो रिलीजियस एक्सपर्ट्स जिन्होंने देवबंद मूवमेंट को स्टार्ट किया है, टू रिलीजियस एक्सपर्ट्स हु स्टार्टेड दिस मूवमेंट। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही, तो दो रिलीजियस एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है मोहम्मद कासिम ननौतवी और दूसरे हैं राशिद अहमद गंगोही। तो ये दो रिलीजियस एक्सपर्ट्स जो हैं देवबंद मूवमेंट जो है 1866 में सहारनपुर यूपी से स्टार्ट करेंगे। और इनका फोकस किस चीज़ के ऊपर रहेगा? इनका फोकस रहेगा कि जो भी ट्रेडिशनल लर्निंग्स हैं इस्लाम की वो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में हो। तो इनका फोकस रहेगा कि जो भी ट्रेडिशनल लर्निंग्स हैं, ट्रेडिशनल लर्निंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ट्रेडिशनल लर्निंग्स आर टू बी प्रोमोटेड थ्रू द मीडियम ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज। तो इन दो लैंग्वेजेस में प्रोमोट करेंगे किसको? देवबंद मूवमेंट को। तो देवबंद मूवमेंट का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि ये एक हार्डकोर नेशनलिस्ट मूवमेंट रहेगी और इसने बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो है वो पैदा किए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस मूवमेंट में हमें देखने को क्या मिलेगा? दैट दिस मूवमेंट प्रूव टू बी हार्डकोर नेशनलिस्ट। दैट मीन्स कि ये वो मूवमेंट है जो एक रिलीजियस मूवमेंट के साथ साथ में नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है। दैट मीन्स कि इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी भारत को आज़ाद कराने के लिए, उसमें कुछ इनके इम्पोर्टेंट लीडर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें हमें देखने को मिलेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर हैं हमारी नेशनल मूवमेंट के। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे 1923 में। ही बिकेम यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1923। 1923 का दिल्ली सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पर ही बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। सबसे छोटी उम्र में ये प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1923 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दिल्ली का सेशन हुआ इसमें, एंड ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1940 टू 1945। दैट मीन्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहेंगे। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, फ्रॉम द ईयर 1940 टू 1945, तो 1940 से 1945 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहेंगे। और आगे चल कर के जब भारत आज़ाद हो जाता है तो ठीक है, तो कल्चरल रिलेशंस इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ में काफ़ी ज़्यादा प्रोमोट करेंगे। ही प्रोमोटेड, व्हाट ही डिड, ही प्रोमोटेड कल्चरल रिलेशंस ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज। दूसरे देशों के साथ में इन्होंने कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट किया। और इस डायरेक्शन में इन्होंने 1960 में एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था, वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो इन्होंने क्या किया, इन द ईयर 1960, 1960 वॉज द ईयर व्हेन ही इस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए। दैट इंस्टीट्यूशन वाज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, this institution was established by none other than मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये फेमस हैं एज कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ही इज़ फेमस एज और द पॉपुलरली नोन एज कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो इन्हें इंडिया का कल्चरल एम्बेसडर माना जाता है। तो इन्होंने इस डायरेक्शन में काफ़ी एफर्ट्स किए थे। सो दिस इज़ देवबंद मूवमेंट। और देवबंद मूवमेंट के बाद में हमने इस्लामिक फेथ में जो भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई उनको डिस्कस कर लिया। इसके बाद में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जोरोएस्ट्रियन रिलीजन यानी पारसी रिलीजन में कौन सी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुई, किस समय में, ठीक है, क्या डेवलपमेंट्स हुई। सो इस्लामिक रिलीजन में हमने डिस्कस कर दिया, पहले हमने वहाबी मूवमेंट को डिस्कस किया था, फिर हमने अलीगढ़ मूवमेंट को डिस्कस किया, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट देवबंद मूवमेंट। तो देवबंद मूवमेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो देखिए नेक्स्ट इज जोरोएस्ट्रियन रिलीजन। नेक्स्ट इज जोरोएस्ट्रियन, मीन्स पारसी फेथ। इस फेथ में, ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो फेथ है जोरोएस्ट्रियन फेथ यानी पारसी फेथ जो है ये इवॉल्व हुआ था वेस्टर्न एशिया में। और समय के साथ में इन कोर्स ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट सम मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी दे सेटल्ड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया कॉरस्पॉन्डिंग टू बॉम्बे सिटी। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जोरोएस्ट्रियन रिलीजन जो है ये इवॉल्व कहाँ पे हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है वेस्टर्न एशिया में। वेस्टर्न एशिया में इवॉल्व हुआ है, लेकिन आपको समय के साथ में देखने को मिलेगा इन कोर्स ऑफ टाइम सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स जो हैं इस कम्युनिटी के, इस फेथ के, दे सेटल्ड इन वेस्टर्न इंडिया। कहाँ पे जाकर के सेटल होते हैं, वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न रीजन इंडिया की कॉरस्पॉन्डिंग टू बॉम्बे। तो बॉम्बे में आकर के सेटल होंगे। अब इस फेथ के जो मेंबर्स हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मिड 19th सेंचुरी यानी 1815 ऑनवर्ड्स इस फेथ के जो मेंबर्स हैं वो भी रियलाइज करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, रिलीजियस रिफॉर्म्स लानी चाहिए। किसमें, जोरोएस्ट्रियन यानी पारसी रिलीजन में। तो इसमें उन्होंने यहाँ से आगे प्रमोशन करनी है किस चीज़ की, ट्रू प्रिंसिपल जो इस धर्म के हैं उसमें। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि फर्स्ट एंड important religious organization, socio religious organization which was established by the members of Zoroastrian faith. This organization was रहनुमाई मज़दा यस्ना सभा. तो ये 1851 में इन्होंने बॉम्बे में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, दैट वाज रहनुमाई मज़दा यस्ना सभा, and this organization was established in the year 1851, and three founding members who established this organization, they were दादाभाई नारोजी. Founders कौन थे इसके? Founders of this organization, one was दादाभाई नारोजी, who was a nationalist leader and he is popularly known as Grand Old Man of India. दूसरे आपको देखने को मिलेंगे नारोजी फुरदुंजी, ठीक है. और तीसरे लीडर एसएस बंगाली हैं, एसएस बंगाली. ये तीन लीडर्स जो हैं दे इस्टेब्लिश दिस रिलीजियस सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ रहनुमाई मज़दा यस्ना सभा. तो दिस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1851. तो गलती से मिस्टेक्स मैंने 1861 लिखा यहाँ पे, ठीक है, तो करेक्ट कर दीजिए, दिस इज 1851. तो देखिए इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जर्नल पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया टू हाईलाइट द रियलिटी ऑफ देयर फेथ. तो अपने फेथ की रियलिटी को हाईलाइट करने के लिए एक जर्नल पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. दैट जर्नल इज रास्ट गोफ्तार, दैट मीन्स ट्रूथ टेलर. तो दीज फाउंडर्स, दीज लीडर्स, व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड पब्लिशिंग, दे बिगेन टू पब्लिश ए जर्नल, एंड दैट जर्नल इज रास्त गोफ्तार. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ट्रूथ टेलर, ट्रूथ टेलर. और ये किस लिए किया इन्होंने? टू हाईलाइट रियलिटी ऑफ देयर फेथ एंड टू प्रोमोट द ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ जोरोएस्ट्रियन रिलीजन. तो इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जो दादाभाई नारोजी हैं वो रिलीजियस के साथ साथ में एक सोशल रिफॉर्मर भी बनेंगे. दादाभाई नारोजी ही बिकेम ए सोशल रिफॉर्मर एज वेल. समय के साथ में ये सोशल रिफॉर्मर भी बनेंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने स्कूल इस्टेब्लिश किए गर्ल एजुकेशन के लिए. इन्होंने स्कूल इस्टेब्लिश किए. दिस इज़ द रोल ऑफ दादाभाई नारोजी. और दादाभाई नारोजी यहाँ से आगे आपको देखने को मिलेगा कि विमेन राइट्स के लिए एडवोकेट करेंगे, विमेन राइट्स की बात करेंगे, विमेन राइट्स, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ही स्टूड फर्मली अगेंस्ट पर्दा सिस्टम एंड कस्टम ऑफ सती. तो दादाभाई नारोजी क्या करेंगे, सती का जो कस्टम है एंड पर्दा सिस्टम, इन दो कस्टम्स के अगेंस्ट जो हैं अपना एक एजिटेशन चलाएंगे, ठीक है. तो देखिए टाइम के साथ में हमें देखने को मिलेगा कि पर्दा सिस्टम और सती सिस्टम, यानी इन दोनों ही चीज़ों से आपको देखने को मिलेगा कि जो विमेन की लिबर्टी है वो हैम्पर होती है. तो इन दो चीज़ों के खिलाफ भी दादाभाई नारोजी एडवोकेट करेंगे, ठीक है. तो आज हमने डिस्कस क्या किया, आज हमने डिस्कस किया पहले कि इस्लामिक फेथ में देवबंद मूवमेंट कैसे चला, फिर हमने जोरोएस्ट्रियन फेथ में देखा कि किस तरह से सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, फिर एक जर्नल को, ठीक है, पब्लिश किया गया ताकि ये दिखाने के लिए कि क्या रियलिटीज़ हैं और कौन कौन से ट्रू प्रिंसिपल्स को मतलब फॉलो किया जाना चाहिए. और इसी में रास्त गोफ्तार में बताया गया था कि जो फायर वर्शिप है, वर्शिप ऑफ फायर वॉज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट प्योरीफाइंग इन नेचर. फायर वर्शिप जो है, worship of fire was considered to be most purifying in nature. This was claimed in the Rast Goftar by the leaders who founded Rahnumai Mazda Yasna Sabha, and the leaders were दादाभाई नारोजी, नारोजी फरदुंजी एंड एस.एस. बंगाली. आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.